विश्व भर में 29 सितंबर के दिन को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दुनिया में मधुमेह और दिल की बीमारियों के कैपिटल के रूप में उभर रहे भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। दिल की बीमारियों की रोकथाम के लिए जितनी ज़रूरी दवाएं हैं और कई जांच हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी दिल की बीमारी के प्रति जागरूक रहना है। भारत और झारखंड में अब दिल की बीमारी बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि अब तो कम उम्र के किशोर किशोरियाँ भी इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में रिम्स में आज के दिन दिल की बीमारी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात चिकित्सकों ने दिल की बीमारी से बचाव के उपाय बताए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल की बीमारी के इलाज के लिए राज्य में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। रिम्स के हृदय रोग विभाग के HOD डॉक्टर हेमंत नारायण ने कहा कि कोरोना काल में दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ गया है, ऐसे में अब ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। झारखंड की स्थिति बाकी भारत से अलग नहीं है। हमारे यहाँ कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं, और मृत्यु दर वेस्टर्न कंट्रीज़ US या यूरोप की तुलना में मृत्यु दर अधिक है और कम उम्र में है। वजह क्या है? वजह एक तो हमारे जीन्स हैं, हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। दूसरा, अभी भी हम स्मोकिंग की बुराई को नहीं समझ पाए हैं। हमारे लोग कम उम्र में स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज़ है लोगों को, कंट्रोल में नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, कंट्रोल में नहीं है, और बीमारी की पहचान भी लेट होती है, जब मरीज़ों के लिए असंभव हो जाता है अपना दिनचर्या देखना करना, तब वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तब तक कई बार देर हो चुकी होती है, तब तक वो इस समस्या को गैस समझकर टालते रहते हैं। सीने में दर्द है तो उसको वो समझते हैं कि गैस है, एसिड हो गया है, और इसी तरह चलता रहता है जब तक कि काफ़ी देर नहीं हो जाता है। रास्ता ये है कि आप अपना जो चीज़ें आपके पास में हैं, जैसे स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, बढ़ा हुआ है कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, बढ़ा हुआ है तो उसके लिए दवाएं लें, खान पान में बदलाव करें, फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, परिवार में किसी को हार्ट अटैक है तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिए, डायबिटीज़ है थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिए, टाइमली रिकग्निशन होना चाहिए डिजीज़ का, समय से पहचान हो बीमारी की, समय से उसका इलाज हो, तो हम इस बीमारी को मौत का कारण बनने से डेफिनेटली रोक सकते हैं। सर, अंतिम सवाल है कि क्या कोरोना काल में दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, और बढ़ी हैं तो? कोरोना काल में दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, उसके कई कारण हैं। एक ये, कोरोना काल में लोगों ने कोरोना के अलावा बाकी सारी बीमारियों को नज़रअंदाज किया, तकलीफ़ हुआ डॉक्टर के पास जाने से डरे। जिनको हार्ट की बीमारियां थी उनका रेगुलर फॉलोअप नहीं हो सका, इलाज करने में भी डॉक्टर्स डरते रहे, मरीज़ डॉक्टरों के पास जाने से डरते रहे और डॉक्टर्स मरीज़ को देखने से डरते रहे। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो गई, खान पान लोगों का बिगड़ गया, इन सब की वजह से, और प्लस कोरोना की जो पैथोलॉजी है वो है क्लॉट फॉर्मेशन। तो बाकी लंग्स में जैसे क्लॉट फॉर्मेशन होता है कोरोना में, इसी तरह से हार्ट की धमनियों में भी क्लॉट फॉर्मेशन हुए और हार्ट अटैक्स इस वजह से भी हुए। सर, अप्रोक्सिमेटली आंकड़ा बताएं तो कितना परसेंट ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी होगी जो कोरोना के चलते दिल की बीमारी? ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास नहीं है, बट हमारा ऐसा फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कोरोना के समय में हार्ट अटैक्स की और हार्ट फेलियर की जो इंसिडेंस है ये काफ़ी बढ़ा। लेकिन लोग यह सोचते हैं नहीं कराना बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज, और अगर किसी को है तो फिर ये नहीं कि दवा ले ली ठीक हो गया तो छोड़ दी दवा, ये बहुत कॉमन है। पता नहीं क्यों ये इस तरह की धारणा लोगों में हो गई है कि हाँ हमारे ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो हमने दवा छोड़ दी। ये अपने घर में भी लोगों को बताइए, छोड़ना नहीं चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ क्योंकि आपने दवा ली या आपने एक्सरसाइज किया या आपने डाइट कंट्रोल किया, उसको छोड़िए मत, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। ये सब धारणाएं जो हैं समाज में, उसको हम सभी को मिल करके उसको किसी तरह से उनकी गलत फहमियों को दूर करना है। ये था सर कि जिला स्तर पे दिल की बीमारियों का इलाज की सुविधाएं कब होंगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। आप तो आप उसी चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, मैं पूरी चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं
अभी अभी जमशेदपुर है, जैसे जमशेदपुर में भी हम लोग जो है कार्डिया का व्यवस्था करने जा रहे हैं, कुछ जो है हम रांची में व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो कुछ कुछ जो है कार्डिया वगैरह का या फिर किडनी वगैरह का है। यहाँ पर हमारी डॉक्टर है प्रज्ञा पंत, अब हम उस इतनी बड़ी डॉक्टर को भी हम व्यवस्थित तरीके से कैसे करके उनका उपयोग करें इसके लिए लगे हुए हैं। तो देखिए धीरे धीरे व्यवस्थाओं को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन रेफरल, उन्होंने एक बात और कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, कि हम ऐसी रेफरल व्यवस्था भी करें, क्योंकि 2 से 3 घंटे का एक गोल्डन टाइम होता है जिस टाइम में हार्ट अटैक जो हृदयघात के रोगी हैं, यदि 2-3 घंटा के अंदर अंदर यदि हम लोग उसका समुचित इलाज कर लेते हैं तो उनकी जान माल की सुरक्षा हो जाती है। तो हम लोग जो है वो वैसी व्यवस्था भी कायम करेंगे कि कहीं से लाने और इसमें कैसे करके ग्रीन कॉरिडोर बने, कैसे व्यवस्था करें, तो इन सारी चीज़ों पर भी हम लोगों का ध्यान है। एक सवाल है।